आज तुम्हारा भाई बताने वाला है तुम्हें वो कुछ 10 गिफ्ट्स जो कि आपको अपनी गर्लफ्रेंड को या अपने बॉयफ्रेंड को देना चाहिए न्यू ईयर के अवसर पर, क्योंकि अगर आपने गिफ्ट दे दिया तो माँ कसम वो आपको जिंदगी भर तक भूल नहीं पाएगा, आपको जिंदगी भर प्यार करेगा, कभी ना छोड़ के जाएगा और ना तो छोड़ के जाएगी। तो वीडियो में जो जो गिफ्ट बता रहा हूं उसको जरूर देना न्यू ईयर के अवसर पर। अब ये गिफ्ट मैं आपको क्यों सजेस्ट कर रहा हूं, पहली चीज तो ये कि बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है भाई, कोई महंगे नहीं है। पहली बात तो स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैं कोई लिंक नहीं देने वाला कि जाके खरीदो मेरा फायदा होगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस बना रहा हूं, ठीक है। तो कोई भी भाई ये बिल्कुल अफोर्डेबल, ऐसा नहीं है कि भाई महंगे महंगे बता रहा हूं, ऐसा पैसे वैसे की मारा मारी नहीं है। दूसरी चीज की है ना, ऐसे गिफ्ट्स नहीं होंगे कि लड़की को छुपाने की जरूरत पड़ जाए अपने घर वालों से, है ना, कि भाई पकड़ लो उसको सूद दे, ऐसा नहीं है भाई। गिफ्ट ऐसे हैं जिसकी यूटिलिटी बहुत ही तगड़ी है, मतलब यूजफुल है, ठीक है। लेकिन ये 10 चीजें बताने से पहले मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बता देता हूं जो कि आपको देनी ही देनी चाहिए, डिफॉल्ट है, ठीक है। 10 चीजों के अलावा ये आपको देनी देनी चाहिए, इसमें तो कोई शक है ही नहीं। पहली चीज क्या, पहले के हैंड रिटन नोट्स उसको दो कि तुम्हारा 2019 उसके साथ कैसा गया, मंथ वाइज मंथ अगर हो सकता है तो वो भी दे दो, अगर दौरान ज्यादा रहा है मतलब जनवरी से रही है साथ में, वैसे तो रहते नहीं आजकल, अगर रही है तो उसको लिख के दो कि जनवरी में हमने ये किया मुझे बहुत अच्छा लगा, फरवरी में ये किया, मार्च में ये किया, अप्रैल में ये किया, फलाना फलाना, जिस भी तुमने जो जो किया है ना मंथ वाइज वो सब उसको लिख कर दो और बहुत ही मजा आएगा, अगर मेहनत कर सकते हो तो, और अगर नहीं कर सकते तो भाई मतलब फोन में लिख के दे देना। दूसरी चीज की भाई चॉकलेट्स तो आपको देनी देनी चाहिए, क्योंकि यार चॉकलेट किसको पसंद नहीं होते, है ना, चॉकलेट सबको पसंद होते हैं और फ्लावर्स भी और बुके भी सबको ही पसंद होता है, तो ये तीन चीजें तो दे ही देना। तो बात करते हैं 10 चीजों की, और 10th नंबर पे जो गिफ्ट है वो है फोन कवर। आपको फोन कवर जरूर देना चाहिए, क्योंकि वो इंसान अपने फोन को तो भैया भूलने से रहा, फोन तो उसको 24 घंटे चलाना है, दिन हो चाहे रात हो, और जब जब अपने फोन को चलाएगा तब तब पीछे तो देखेगा ही देखेगा, और बार बार देखेगा कि ये बैक कवर है, अरे बैक कवर तो उसने दिया था। तो जब जब अपने फोन को देखेगा या देखेगी तो आपको याद जरूर करेगा या करेगी, तो आपको फोन कवर देना चाहिए। तो अगर आप लड़के हो तो अपनी बंदी को दे सकते हो, वो जो गुड्डे गुड़िया वो किटी विटी वाले होते हैं, जो मतलब मस्त फेस फेस वादे होते हैं और जो शीशा भी लगा होता है, तो मेकअप वेकअप भी चपेट लिखे है ना, तो वो दे सकते हो आप। और अगर आप लड़की हो तो लड़कों को तो कैसा ही दे दो, मतलब लड़की गिफ्ट दे रही है तो अच्छा तो लगेगा ही। 9th नंबर पे पॉइंट है वॉलेट या फिर बैग। वॉलेट आप जब दे सकते हो, अगर आप लड़की और अपने बॉयफ्रेंड को देना है तो वॉलेट दे दो, और अगर आप लड़के और अपनी गर्लफ्रेंड को कुछ चीज देनी है तो आपको बैग देना चाहिए। जो मस्त मस्त बैग आते हैं, एकदम मस्त आते हैं, मजा सा जाता है, मतलब मुझे बहुत क्यूट लगते हैं छोटे छोटे बैग, तो आप अपनी बंदी को दे सकते हो और बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी। और ये इसलिए भी देना चाहिए क्योंकि इसकी यूटिलिटी बहुत ही तगड़ी है ना, बैग कौन यूज नहीं करता, और अगर अच्छे होंगे अच्छी क्वालिटी होंगे तो भाई बिल्कुल यूज करेगी ही करेगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि यार बैग के लिए उसके घर वाले शक भी नहीं करेंगे, क्योंकि लड़कियों को अक्सर दिक्कत यही होती है कि उनके घर वालों को पता ना लग जाए कि गिफ्ट कहां से आया, किसने दिया, क्या चक्कर है, कैसा चक्कर है, उसके भाई ना पकड़ ले, उसकी मम्मी पापा ना पकड़ ले। तो बैग के लिए कोई मना नहीं करता, कह सकते हैं कि मेरी किसी फ्रेंड ने दिया या फिर मैंने खुद खरीदा, कोई दिक्कत ही नहीं है। 8th नंबर पे पॉइंट है ईयरफोन या हेडफोन। ईयरफोन हमारा भाई जिगरी यार होता है, मतलब ईयरफोन जितना प्यार हम किसी को भी नहीं करते, है ना, बाहर अगर हम ईयरफोन ले जाना भूल जाएं उसके बाद तो कितना दुख होता है ना। और पबजी वालों के लिए अगर आपका बंदा पबजी खेलता है तो ईयरफोन उसको अच्छे चाहिए ही चाहिए, और लड़कियां भी ईयरफोन रखती हैं, है ना, तो आपको ईयरफोन जरूर गिफ्ट करना चाहिए। आप चाहें तो कोई हेडफोन भी कर सकते हैं, और इतने महंगे नहीं आते, आई थिंक 500 से 1000 के बीच में आ जाएंगे। कोई सा भी नेट पे सर्च करना और कोई सा भी अच्छी क्वालिटी का दे देना, आपके बंदे या बंदी को जरूर पसंद आएगा भाई। 7th नंबर पे पॉइंट है रिंग। अब ये ना थोड़ा अटपटा है, थोड़ा चटपटा है, क्योंकि हम बात तो कर रहे थे भैया कि ऐसी चीज दो कि लड़के के घर वाले शक ना करें, आई मीन लड़की के घर वाले शक ना करें, उसका भाई शक ना करे, लेकिन रिंग थोड़ा सा रिस्की है। लेकिन अगर आपकी बंदी मान सकती है, अगर आपको लगता है कि उसके घर वाले इतना शकवक नहीं करेंगे तो आप रिंग दे सकते हो। और लड़की इतनी टैलेंटेड होनी चाहिए कि अपने घर वालों को थोड़ा फुद्दू बना दे, है ना, कि मैंने ही लिया है, मेरी किसी बेस्टी ने दिया है, मेरे बॉयफ्रेंड नहीं है, तो अगर ऐसा कर सकती है तो आपको रिंग देना चाहिए भाई। रिंग बहुत ही अच्छी चीज होती है, और रिंग वही दे जिस टाइप की रिंग उसको पसंद है, क्योंकि मैं फंस चुका हूं लड़कियों को अक्सर अलग अलग टाइप्स की रिंग पसंद होती है। हमारे लिए रिंग रिंग होती है, लेकिन उनके लिए रिंग रिंग नहीं होती। रिंग आपको इसलिए भी देना चाहिए क्योंकि एक टाइप की ना वर्चुअल अरेंजमेंट थोड़ी होता है, एंगेजमेंट हो जाती है ना, एंगेज्ड हो जाती है लड़की आपकी लाइफ से। जब जो अपने रिंग को देखेगी तब तक उसको वाली फीलिंग आएगी, शादी के पहले जो एंगेजमेंट होती है ना कि हाँ भाई रिश्ता तय हो चुका है, इसी से प्यार करना, एक बंधन बंध जाता है कि तो आपको लड़की छोड़ेगी नहीं। अगर आप किसी बॉयफ्रेंड को दे रहे हैं, अपने बॉयफ्रेंड को किसी का होता है, तो वो बॉयफ्रेंड भी आपको छोड़ेगा नहीं, क्योंकि बार बार देखेगा तो उसको लगेगा कि यार मुझे चीटिंग नहीं करनी चाहिए, यार ये ना उसने बहुत ही मेहनत से दिया है, मुझे प्यार मोहब्बत से दिया है। 6th नंबर गिफ्ट है भाई नेकलेस। आपको नेकलेस जरूर देना चाहिए, और बहुत ही मस्त लगता है यार, मतलब बंदे भी पहनते हैं आजकल तो बहुत अच्छा लगता है। अगर आपके बंदे को पसंद है ये सब पहनना एक्सेसरीज, तो आप दे सकते हैं, और अगर बंदी है आपकी तो उसको तो पसंद होगा ही, नेकलेस किसको नहीं पसंद होता है, बट क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, थोड़ा सा कॉस्टली हो सकता है ना। रिंग और नेकलेस पे थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि ये थोड़ा कॉस्टली ही जचता है, क्योंकि आपको ऐसा देना है ना कि उसके पास जो पहले
बहुत से आइटम्स हैं, रिंग्स हैं, नेकलेस हैं, उनमें सबसे बेस्ट हो, क्योंकि अगर बेस्ट होगा तभी वो पहनेगी, अगर बेस्ट नहीं होगा तो घंटा उसको नहीं पहनने वाली, घर पर किसी कोने पर डाल देगी और वो सड़ रहे होंगे, है ना। तो अच्छी क्वालिटी का देना, थोड़ा अच्छा देना ताकि वो उसको प्रेफर जरूर करे। फिफ्थ नंबर पे पॉइंट है ड्रेस, और ड्रेस की जब मैं बात कर रहा हूँ तो भाई ठंड में तो आपको जैकेट देनी चाहिए, और जैकेट भी आजकल बहुत ही फैंसी फैंसी आती हैं, आपको भाई जैकेट देनी चाहिए, और अगर उसका जो कलर फेवरेट है उस कलर की आप दे दो, और अगर वो टाइप जो उसको पसंद है वो अगर पार्टनर के टाइप वाली दे दो तो भाई वो बिल्कुल चंगा हो जाएगा या चंगी हो जाएगी। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि उसको किस टाइप के क्लोथ पसंद है, किस टाइप के आइटम्स पसंद है, जैकेट कौन सी चीज़ की पसंद है, कैसी पसंद है, कौन से टाइप की है ना। तो अगर आप उसको पता कर लेते हैं और वही देते हैं तो भाई माँ कसम उसको एकदम मज़ा आ जाएगा। और अगर आप लड़के हैं और अपनी बंदी को कोई गिफ्ट देना चाहते हैं तो कोई भी टॉप दे सकते हैं, कोई भी कुछ भी दे सकते हैं यार, जो भी आपकी बंदी को चाहिए। अब ये मैं नहीं बता सकता है ना, आपको ही पूछना पड़ेगा, मजाक मस्ती में पूछते रहिए। अच्छा पता है गिफ्ट देने का सबसे सही तरीका यही होता है कि आप जो भी गिफ्ट देना चाहते हो ना, और अगर आपको कन्फ्यूजन है कि इनमें कौन से टाइप का दूँ, कौन से वैरायटी का दूँ, ये वाला दूँ या वो वाला दूँ, तो आपको खासकर क्लोज में उससे पूछ लेना चाहिए, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली सही, उससे पूछ लो कि तुम्हें कैसे कपड़े पसंद हैं, वो वाला बहुत अच्छा लगता है, वो तुम्हारा फेवरेट है क्या। तो लड़की बताएगी कि नहीं ये वाला अच्छा नहीं लगता, इसमें ये है, उसमें वो है, इसका ये वाला कलर है, ये कलर मुझे पसंद है, जो भी उसका सीन है ना। और आपको पता होगा अगर आप उससे बात बात करते हो, अगर उसके अलावा भी आपके पास बातें हैं तो आपको उसके बारे में जरूर पता होगा, और अगर पता है तो यार वैसा ही गिफ्ट करो ना। पॉइंट नंबर फोर, आपको वॉच गिफ्ट करनी चाहिए। वॉच एक ऐसी चीज है जो कि आप अपने गर्लफ्रेंड को भी दे सकते हैं, अपने बॉयफ्रेंड को भी दे सकते हैं, और वॉच एक ऐसी चीज है जिसकी यूटिलिटी बहुत ही तगड़ी है, क्योंकि एक ऐसा एक्सेसरी है जो कि हर एक बंदा बंदी पहनना चाहती है और पहनते भी हैं। एक और चीज की वॉच ना ये दिखाता है कि आप बहुत ही पंचुअल हैं। तो अगर आप किसी को अपनी वॉच देते हैं, अपनी तो नहीं, अगर खरीद के वॉच देते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है कि आप उसके हर एक वक्त में समा चुके हैं। जब जब अपनी घड़ी को देखेगा, उसे तो देखता नहीं है लेकिन अगर देखेगा या देखेगी तो आपको याद जरूर करेगा और करेगी। अगर वॉच बहुत अच्छी होगी तो लोग देखेंगे, पूछेंगे कि बहुत ही प्यारी लग रही है, और जब जब कोई उस वॉच की तारीफ करेगा तब तक उस बंदे को, आपकी बंदी को बहुत ही खुशी होगी कि गिफ्ट किसकी तरफ से आया है। पॉइंट नंबर थ्री, थोड़ा सा महंगा हो सकता है लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं और अगर आपके बंदे को या बंदी को चीज पसंद है तो आप बिल्कुल गिफ्ट करें, और ये चीज है गिटार। पर्सनली मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है गिटार, मतलब प्ले करता है जो उसको तो अच्छा लगेगा ही। तो अगर खासकर आपके बंदे या बंदी को गिटार पसंद है तो आप दे सकते हैं, अगर कोई और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पसंद है तो वो भी दे सकते हैं, वैसे तो गिटार ही पसंद होता है। पॉइंट नंबर टू, ये कोई आइटम या कोई चीज नहीं बताने वाला, मैं आपको ये बताने वाला हूं कि आप उसको वो चीज दें जो कि उसको चाहिए, है ना। मैं आपको तमाम चीजें बता दूं कि भाई ये दे दो, वो दे दो, फलाना ढिमकाना सब कुछ दे दो, लेकिन अगर उसकी यूटिलिटी की नहीं होगी, अगर उसके लिए वो चीज नहीं होगी जो कि उसको चाहिए, तो कोई भी फायदा नहीं है। हो सकता है आप 5,000, 10,000, 20,000 की कोई चीज दे दो लेकिन उसको उसकी जरूरत ही ना हो, ऐसी तमाम चीजें उसके घर में पड़ी हो तो कोई भी फायदा नहीं है, है ना। और अगर कोई 1,000 की चीज है जो कि उसको ना मिल रही हो कभी भी, और वो बहुत ही परेशान हो कि मुझे ऐसी ही जैकेट चाहिए, ऐसा ही ईयरफोन चाहिए, ऐसा ही फोन कवर चाहिए, ऐसा कोई और चीज चाहिए, तो आप उसको वही चीज दें, क्योंकि अगर वही चीज दोगे तो उसको बहुत ही पसंद आएगी। तो इसके लिए आपको पूछना पड़ेगा, उससे बातचीत करनी पड़ेगी, आपको खुद ही बता देगी कि मुझे ये चीज चाहिए, मिल नहीं रही, या फिर मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, जो भी उसको चाहिए वो दे दो, और वो कोई भी चीज हो सकती है। एंड लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर वन, जो कि आप उसको गिफ्ट कर सकते हो वो है अ बेटर यू, आपका जो बेटर वर्जन है वो गिफ्ट करिए, है ना। 2019 में आप जैसा भी रहे, मुझे नहीं पता आपकी जो भी भसड़ मची, लड़ाइयां हुई, जो भी हुआ, जैसा भी सीन रहा, मुझे नहीं पता यार, वो तो आप ही को पता होगा, लेकिन यार 2020 में एटलीस्ट ऐसा मत करना। जो भी छोटी छोटी बातों पर आप लड़ाई करते थे वो मत करना, जो भी छोटी छोटी बातों पर आप नाराजगी ले आते थे, गुस्सा हो जाते थे, वो मत करना, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती थी तो उसको भाई मतलब कन्वर्ट करो, है ना, कि बातचीत करके उसको सुधार लो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप नाराज हो गए, वो बंदे किसी और बंदी से लग गया, बंदी किसी और बंदी से लग गई, तो ऐसे काम नहीं चलता। तो अपने आप को थोड़ा इंप्रूव करो, वैसा बनो जैसा वो चाहती है। हालांकि मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप अपने आप को चेंज कर लो, तो चेंज मत करो, अपने आप को इंप्रूव तो कर ही सकते हो ना। जो आपकी आपकी गलतियां हैं, जो आपको पता है कि हाँ ये मैं गलती करता हूं या करती हूं, तो उसको ना करो, है ना। तो अगर आप 2020 में ये भी दे दोगे ना तो भाई उसको बहुत ही पसंद आ जाएगा, एकदम मतलब मक्खन टिक्की लगा के। अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और अगर आप चाहते हो कि बिल्कुल फास्ट रिप्लाई आ जाए तो इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम पर जाओ, हमें फॉलो कर लो पहले तो, और उसके बाद आपको जो भी क्वेश्चन पूछना है गिफ्ट से रिलेटेड या कैसा भी रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हो, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। वीडियो आपने देखी बहुत ही अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि लाइक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लाइक करने के बाद भाई शेयर नहीं करो तो ऐसे थोड़ी काम चलता है। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी प्यारी प्यारी वीडियोज हम लाते रहते हैं। और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में छोटी सी बेल नोटिफिकेशन आती है, उसको प्लीज ऑन कर लेना ताकि ऐसी वीडियोज आपको मिलती रहें।